Hi everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's videos, we are going to start with a new playlist जिसमें मैं elements of principles of management, elements of management को discuss करूँगी. In the last playlist, मैंने principles of management का सारा introduction दिया है. What are principles of management? अलग-अलग theories कौन सी हैं? Who are the theories? Scientific theories, classical theories, neoclassical theories and modern theories. So that was a brief overview. लेकिन अब यहाँ पे हम detail में मैनेजमेंट क्या है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एलिमेंट्स वन बाय वन. जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट मैनेजमेंट का होता है प्लानिंग. तो इस वीडियो में हम प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग एंड देन स्टाफिंग एंड देन डायरेक्टिंग एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्विकली. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग होता है बहुत सिंपल, डिसाइडिंग इन एडवांस, शुरू पहले से ही डिसाइड करना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एंड कौन करेगा. We are talking in terms of the organization. So here we are talking about actually the 5 W's. What to do, how to do it, when to do it and who is to do it, right? So that is planning. To explain further, planning basically hum future mein kya karne wale hain, to decide a course of action for the future. Planning bridges the gap between where you are and where you want to be, right? It bridges the gap between that. सो यहाँ पे है कुछ नेचर्स ऑफ प्लानिंग. आई वोंट गो इन टू टू मच ऑफ डिटेल बट या आई एक्सप्लेन ब्रीफली. प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होती है, राइट? एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग, व्हाट यू वांट टू डू, क्या चाहते हो. सो इट्स गोल ओरिएंटेड, इट्स प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन मतलब प्लानिंग किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. यू कैन नॉट गो विद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. नो, इट्स द प्राइमरी फंक्शन. ऑल परवेसिव मतलब प्लानिंग हर लेवल पे की जाती है, वेदर इट्स द लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, वॉट एवर लेवल. हर लेवल पे प्लानिंग, अपने लेवल पे प्लानिंग की जाती है. इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मींस इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस. दिमाग से प्लानिंग की जाती है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स नेवर एंडिंग. हर स्टेप पे प्लानिंग होती है. इवन इफ लाइक ऑल दो मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑल दो वी स्टडी देम इन सीक्वेंस, बट हर स्टेप पे आपको प्लानिंग करनी पड़ती है. इट्स फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग सिर्फ फ्यूचर के लिए की जाती है. यू डू नॉट डू प्लानिंग फॉर द पास्ट. इट्स अ परपेचुअल प्रोसेस. परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, हमेशा चलता रहेगा. सो कंटिन्यूअस मीन्स एट ऑल, एवरी टाइम यू आर डूइंग प्लानिंग, एंड परपेचुअल मीन्स यू हैव टू डू इट ऑल द टाइम टिल द एंड. आई मीन देयर इज नो एंड टू प्लानिंग. इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब प्लानिंग हर लेवल पे इंटीग्रेटेड है. जैसे कि अभी इस फॉर एग्जांपल, फॉर एवरी डे जो भी आप कुछ भी काम करते हो, यू एक्चुअली प्लान फॉर इट, राइट? इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. इट इज डन इन एवरी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट? एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स एफिशिएंसी. अब खुद सोचो, हम प्लानिंग क्यों करते हैं? हम प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हमारा काम बेटर तरीके से हो, राइट? बिना प्लानिंग किए भी काम किया जा सकता है, बट दैट वोंट बी एन एफिशिएंट वर्क. सो प्लानिंग इसलिए की जाती है सो दैट आवर वर्क इज एफिशिएंट. सो दैट्स द नेचर ऑफ प्लानिंग. देन कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? प्लानिंग आपको एक फोकस देता है. यू गेट अ फोकस स्टेटमेंट कि ओके, मैं इस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ. प्लानिंग ऑफसेट्स अनसर्टेनिटी एंड रिस्क. ऑल दो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो रिस्क और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इन्हें कुछ सेंस तक कम किया जा सकता है. प्लानिंग प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन द वे कि आपको एक पाथ मिलता है कि मुझे ये पाथ फॉलो करना है. सो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग. टुडे ओनली आई हैव शेयर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट carousal on my group, telegram group पर मैंने अपने share किया है. So there I have explained कि management के हर element में कौन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं. For example, planning में important होता है decision making, organizing में हम पढ़ते हैं departmentation, delegation, decentralization के बारे में, staffing में हम पढ़ते हैं selection और recruitment के बारे में and so on. So planning में बहुत important होता है decision making. Once you have planned all the things, now is the time to take the decisions, right? Then ensures better coordinations. अगर आपने काम plan किया है तो I mean you know that we don't make one plan. There is a master plan and then there are sub plans. तो जो sub plans हैं अगर वो अच्छे से बनाए गए हैं तो आपका सारा का सारा काम well coordinated होगा. There won't be any duplicacy of work. Planning facilitates control. Remember, controlling is the last function of management. So हम कहते हैं ना, planning is forward looking but controlling is backward looking. तो अगर आपकी planning अच्छी है तो controlling भी better हो जाएगी, right? Encourages innovation and creativity because planning is an intellectual process, एक thought process है. तो जैसे जैसे आप planning करते रहते हो, आपकी over the time planning better होती चली जाती है, right? So it encourages innovations and creativity and facilitates delegation.
अगर आपका काम वेल प्लान्ड है तो आप किसी दूसरे इंसान को भी अपना काम दे सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्लान्ड. सो यू कैन ईजिली डेलीगेट द वर्क इफ इट इज़ वेल प्लान्ड. ऑल द डेलीगेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस करेंगे, राइट. देन लिमिटेशंस, ऑफ कोर्स हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, प्लानिंग की भी लिमिटेशंस हैं. लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर वी कैन नेवर बी 100% श्योर ऑफ द इन्फॉर्मेशन वी हैव. टाइम एंड कॉस्ट, येस प्लानिंग इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. इनफ्लेक्सिबल, दिस कैन बी अ ड्रॉबैक, बट इफ योर प्लान इज गुड, सी गुड प्लान्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, बिकॉज हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है. फ्यूचर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो आपके जो प्लान्स होते हैं वो अडेप्टिव होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए. बट इफ इट इज नॉट, सो दैट्स अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, दैट इट्स इनफ्लेक्सिबल. रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर आपका प्लान इनफ्लेक्सिबल है तो मतलब वो चेंज को ईजिली अडेप्ट नहीं कर सकता. प्लानिंग कैन गिव यू अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. अब इसका आपको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने देखा है कुछ बच्चे जो एग्जाम में कभी कभी बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं, तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में दे कैन, थिंग्स कैन गो रॉन्ग. तो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सकती है, ओके आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग वेरी नाइसली, नथिंग कैन गो रॉन्ग. बट दैट्स नॉट ट्रू. सो इट कैन गिव यू अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. एंड प्लानिंग, लाइक एवरी अदर थिंग इन द वर्ल्ड, हैज़ एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स. कुछ भी एनवायरमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपकी प्लानिंग स्पॉइल हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम लोग एक पैंडमिक को फेस करेंगे फॉर 2 years. सो दैट्स एन एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट. और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े प्लान्स भी फेल हो गए. So that's one of the limitations of planning. Moving ahead, essentials of a sound plan. एक sound plan कैसा होना चाहिए, अच्छा plan, sound means good plan कैसा होना चाहिए. Clearly defined objectives, आपका objective बिल्कुल clear होना चाहिए. You must have seen हर organizations का एक vision statement होता है और एक mission statement होता है. ये क्या है, ये basically एक organization को goal देते हैं कि हमें यहाँ तक जाना है. They are long term goals. तो उनको achieve करने के लिए वो accordingly plan करते हैं. So clearly defined objectives होने चाहिए. अ प्लान शुड बी सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल. हर लेवल को ये प्लान समझ में आना चाहिए. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल. यू शुड नेवर स्टिक विद वन प्लान, देर शुड बी प्लान ए बी एंड सी. जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ते हो, दोज हैव नॉट डन कॉस्ट अकाउंटिंग, अगेन दैट्स फाइन, बट स्टिल जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जब हम कॉस्टिंग एनालाइज करते हैं तो हम सेल्स के अलग अलग लेवल लेके चलते हैं. इतनी सेल्स होगी तो हमारी कॉस्टिंग ऐसे जाएगी, इतनी सेल्स होंगी ऐसे, इतनी सेल्स होंगी तो ऐसे. सो वॉट आर वी डूइंग, वी आर एक्चुअली सीइंग द सिनारियोज, सो वी आर बीइंग फ्लेक्सिबल. सो ऐसे आपका प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए. जैसे आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस जो भी प्लान्स बनाती हैं, दे कीप इन माइंड कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है. सो दे आर मेकिंग देयर प्लान्स सो दैट इट इज अडेप्टेबल टू द सिचुएशन. दे शुड ऑलवेज बी बैकअप प्लान्स. प्लानिंग शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव. कॉम्प्रीहेंसिव मतलब सब कुछ आपको कवर करना है, तभी प्लानिंग एक मैनेजमेंट का जॉब है, बिकॉज द पीपल हु आर इन द मैनेजमेंट उनके पास एक्सपीरियंस है, राइट. एक्सपीरियंस आपको क्या करता है, एक्सपीरियंस आपको एक ओवरव्यू नॉलेज देता है. आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ें रॉन्ग जा सकती हैं, कौन सी सही जा सकती हैं. तो दैट इज़ वाई यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू मेक गुड प्लान. सो प्लानिंग हैज़ टू बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने प्लान किया दैट ओके आई नीड 30 days टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. 30 days में आपने पूरा प्लान कर लिया, आई डू दिस चैप्टर दिस चैप्टर, लेकिन आपने रिविजन के लिए टाइम नहीं छोड़ा. सो दैट्स नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, बिकॉज यू लेफ्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट part of the preparation of planning, which is revision. So plan should be comprehensive. A good plan should provide standards. Standardization ka concept sabse pehle kisne diya tha? F.W. Taylor ne. He said har cheez ke standards bana do. To jaise isi example ko lete hain, aap 30 days ke liye ek exam ki preparation ke liye plan bana rahe ho, to aapne standard rakha ki mera unit 1 2 days mein ho jana chahiye. So you have given a standard. Agar aapne 2 din se pehle kar liya, so that means you are doing very good. Lekin agar 2 din se zyada lagaye hain, so you come to know ki okay, we are not able to meet the standards. So good plans should provide standards. They are more economical. As I told you, planning is expensive in terms of time, in terms of cost. So a good plan should be as economical as possible. Plan should be practical. Practical plan hona chahiye jo ki possible hai. Agar aap socho ki main apne entrance exam ki taiyari 10 din mein kar lunga, so it's not going to work. How good your plan is, because it's not practical in nature. Planning is not a one-man job. Keep in mind, planning is a group job. Here we are talking in terms of organization. Management के लिए बहुत important होता है अपने subordinates या अपने workers या जिनके साथ वो काम करते हैं उनके साथ मिलकर consult करके plan बनाया जाए. ये सबसे important, ये बहुत important concept दिया था, which is called the management by objectives by Philip Kotler. So it's not a one man job, right? And integrated and harmonized. आपका plan ऐसा होना चाहिए कि जो आपने सब plans बनाए, जो छोटे छोटे plans बनाए, वो सब एक ही direction में जा रहे हैं. So that
is these are the essentials of a sound plan, right? And now, what is the process of planning? Planning ke steps kya hai? One, identify goals. Where do you want to go? Develop the planning premises. Premises, again, jaise maine aapko bataya tha, future uncertain hai. कुछ भी हो सकता है. तो आप different assumptions लेके different plans बनाओगे. जैसे मैंने आपको भी cost accounting का example दिया था. हम अलग अलग sales level को analyze करते हैं. तो इसी तरीके से आप अलग अलग assumptions लोगे. For example, assumptions could be कि market ऊपर की तरफ जाएगी, like the market will be in a boom position. So this is the plan of my organization. If the market is stagnant, this will be my plan. In case the market goes downwards, in case there's a recession, then this is my plan. So accordingly. Determine alternatives. आप एक ही गोल अचीव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सो डिटरमाइन दोज alternatives. Evaluate दोज alternatives. मतलब उन alternatives को आप evaluate करोगे कि कितने कॉस्टली हैं, कितना रिस्क है, कितना बेनिफिट्स है. तो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट वन कोर्स ऑफ एक्शन एंड देन मेक योर प्लान. सो दैट्स द प्लानिंग प्रोसेस. अब इसमें एक जो स्टेप है, सिलेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन, ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग ही है. सो वील सी दैट लेटर ऑन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. सो हेयर is what planning is all about, what we have done, what is planning, what are the limitations of planning, what are the benefits of planning, what are the essentials of a sound plan, and what's the process of planning, right? Moving ahead, now comes decision making. Very, very important element. Every managerial function involves decision. In fact, not just managerial function, every function involves decision. Daily basis pe aap kuch bhi kaam karte ho to aap chote chote decisions lete ho. What is it? It is the art of making choices. You have to decide whether you want to do this or that. So basically, it's a process concerned with searching, ढूंढना कि आपके सामने क्या क्या options हैं, उन options को evaluate करना, and then selecting the best alternative. This is called decision making, as I told earlier also. That's the concept of decision making. So, characteristics क्या होते हैं? Again, it's a process of choosing a course of action. आपने क्या course of action लेना है? You will do that. It's a human process. Computers decision नहीं ले सकते. Although आज के time पे artificial intelligence और machine learning जैसी चीजें आ गई हैं, but still decision making is a human process. It's an end process. End process in the sense हम पूरी की पूरी planning इसलिए करते हैं क्योंकि हमें last में decision लेना है. So that in that sense it's an end process. It is always related to the environment. Decision हम अपने आसपास की चीजों के हिसाब से ही लेते हैं. It involves time decision, time dimension and time lag. A good decision has to be taken on timely basis. That's a very, very important characteristic. Agar aapne same decision liya hai, lekin agar aap late ho gaye hain, then it's not a good decision. So it involves time dimension. It always has a purpose. Hum decision isliye lete hain kyunki hum kuch achieve karna chahte hain. It involves all actions. It is goal oriented. Again, it is pervasive in nature. Har level pe aapko decisions lene padte hain. And it is futuristic. Again, decisions hum past ke liye nahi lete hain. Decisions hum फ्यूचर के लिए ही लेते हैं. एंड हेयर वी हैव अगेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो इट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर टू प्लानिंग बिकॉज डिसीजन मेकिंग अगेन प्लानिंग का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. आप डिसीजन क्यों लोगे? क्योंकि आपके सामने एक प्रॉब्लम आया है. सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. डायग्नोज. डायग्नोज मतलब जड़ क्या है उस प्रॉब्लम की, वाई दैट प्रॉब्लम हैज कम. सो डायग्नोज द प्रॉब्लम. ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं उसके सॉल्यूशन की, फाइंड दोज ऑल्टरनेटिव्स. इवैल्यूएट दोज ऑल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड रिस्क. Select one alternative and then implement. So that's the process of decision. Implement and review. So यहाँ पे अब last slide में है difference between traditional decision making and scientific decision making. ये generally exam में question आता है. Scientific decision making, scientific का concept again F.W. Taylor ने दिया था, where he gave one of the very very important principles of management, which is science not rule of thumb. Rule of thumb क्या होता है? अंगूठा छाप काम करना. Use of intuition, judgment, trial and error, hit and trial methods देना, ये होता है rule of thumb. And Taylor said we should never do that. Every decision has to be scientifically analyzed. So here comes the difference between traditional decision making and scientific. So traditional decision making intuitions को use करता है, मतलब मुझे क्या लगता है, that's intuition. But scientific decision making information और reasoning को use करता है. Management information system, MIS, very very important concept of management. आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन एक MIS मेंटेन करके चलती है. मतलब दे शुड नो, दे शुड हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड देम. ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. सो यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रीजनिंग. ट्रेडिशनल में ट्रायल एंड एरर अप्रोच होता है, हिट एंड ट्रायल, ये करते हैं नहीं, अच्छा ये करते हैं नहीं, दैट वेज. बट साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच. ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग इज जजमेंटल इन नेचर. इट हाईली रिलाइज ऑन द जजमेंट ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग द डिसीजन, वेयर साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग इज एनालिटिकल इन नेचर. ट्रेडिशनल में हम कोई रिसर्च टेक्निक्स यूज़ नहीं करते हैं, साइंटिफिक में हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं. ट्रेडिशनल में हम ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एंड रिसर्च टेक्निक्स, बहुत सारी नई रिसर्च टेक्निक्स आ गई हैं, हम इन्हें यूज़ करते हैं. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग.
So that's about planning. I hope you all like it. I hope you all understand the concept. In the next video, I'm going to start with the concept of organizing. So till then, keep learning.